जो दिख रही है हजरत पीर सैयद अली मीरा दातार बाबा और उनकी वालिदा का है, ये वो जाहिर हो जाती है और उनको मालूम पड़ता है कि हमारे आंग में कौन है या फिर कहाँ से आया है या किसी ने किया है जादू किया है या फिर किसी ने खिलाया है या फिर किसी ने कुछ भी किया है। तो यहाँ से नगारा बजने से वो नाचने लगते हैं। ये बकरा जो कोई मन्नत मांगता है ना, ये बकरे बकरे भी देते हैं मन्नत के लिए, जो मन्नत मांगे उनकी मन्नत पूरी हो गई तो बकरे भी चढ़ाते हैं यहाँ पे। ये बाबा का अलावा है यहाँ पे जिन भूत परे जिसको भी जो भी परेशानी। अस्सलाम वालेकुम, बंदा नवाज शहनवाज नए वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ महाराष्ट्र मुंबई रे रोड के सरजमीन पे हजरत सैयद मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले मुबारक है। तो यहाँ पे आपको बाबा जान का आपको ज्यारत कराऊंगा और यहाँ पे जो भी जानकारी है नगाड़ा यहाँ पे कब बजता है, लोबान कब होता है, उतारा कैसे होता है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सलीम गुलाम मोहम्मद मिर्ज़ा, हाँ दातार फ्लावर्स। यहाँ पे जो लोग आते हैं किसी को मन में अला भला रहती है, किसी को किसी ने कुछ खिलाया पिलाया, घर की करनी बाहर की करनी वो सब निकल जाता है। यहाँ पे आने का जो भी फूल की कपड़े की चादर लेने की, अंदर जाने का पर्ची निकालने की, धागा बांधने का, घोड़े उतारने की, कड़ा उंगली पहनने की, लोबान लेने का, नगारा लेने का, लोबान में नगारे में भला निकलती है, भला जल्दी है, जो भी चीज़ें हरी आएगी निकल जाएगी, अल्लाह पे बाबा पे भरोसा रखने का बस खाली। हाँ इधर इधर देखो, इधर इधर लोग मन्नत मांगते हैं शादी ब्याह के लिए, मन्नत मांगते तो इंशाल्लाह उनकी शादी ब्याह के लिए मन्नत पूरी हो जाती है। तो अपना मुराद वगैरह चढ़ाते हैं, चादर वगैरह चढ़ाते हैं, फूल कड़ा है, अंगूठी है, ये सब चढ़ाते हैं, चूड़ी वगैरह है, ये सब चढ़ाते हैं। सरकार बड़े पीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर मुहद्दीन जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला के चिल्ला शरीफ है, यहाँ आलम बिठाया गया है। लोग अपने यहाँ भी मुरादें मांगते हैं, लोग बड़े पीर के वसीले से अल्लाह ताला उनके वसीले से लोगों की मुरादों को पूरा करता है और लोग फैज से हासिल होते हैं, मालामाल होते हैं। मेरा नाम अल्ताफ मोहम्मद इशाक शेख है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ और ये मेहंदी माँ साहिबा का चिल्ला है जो यहाँ पे लोग तरह तरह के मन्नत वगैरह मांगते हैं शादी के लिए या फिर कुछ और भी रिश्ते के लिए, मतलब जिसको रिश्ते नहीं आते उसके लिए भी मन्नत वगैरह मांगते हैं यहाँ पे। और वो बड़े पीर यहाँ पे चक्की भी है, चक्की है लेकिन उनकी चक्की अंदर साइड है, नीचे साइड है, जो सिर्फ ऊपर से छू सकते हैं, अंदर तक नहीं जा सकते। पीर का चिल्ला है जो कि यहाँ पे लोग मन्नतें मुरादें जो भी मांगते हैं इंशाल्लाह वो पूरा करते हैं, इनके नाम से चिराग रोशन होते हैं। ये बाबा हवश रहमतुल्लाह अलैह ताला की मज़ार है जो कि हज़रत रास्ती माँ के भाई है और वो मज़ार जो, और यहाँ पे लोग आते हैं तो जादू टोना वगैरह सब शिफाई होता है, यहाँ से तरह तरह के लोग आते हैं, यहाँ पे हर कौम के लोग आते हैं। और ये शाम फजर के टाइम पे नगारा और मगरिब के टाइम पे नगारा होता है, ये मौला अली का है। ये नगारा कितने टाइम बजता? ये सुबह के टाइम पे 3-4 मिनट बजता है और शाम के टाइम पे कुछ 5-7 मिनट बजता है। और ये बजने से लोगों को तकलीफ़, जैसा उनकी तकलीफ़ जो होती है वो जाहिर हो जाती है और उनको मालूम पड़ता है कि हमारे आंग में कौन है या फिर कहाँ से आया है या किसी ने किया है जादू किया है या फिर किसी ने खिलाया है या फिर किसी ने कुछ भी किया है। तो यहाँ से नगारा बजने से वो नाचने लगते हैं और दुआ करते हैं और इंशाल्लाह उनको यहाँ से ही फैसला होता है, शिफा मिलती है। यहाँ पे लोग आते हैं, 10 रुपये की जो पावती रहती है वो निकाल कर बाबा के नाम, मतलब ये नाड़ा है, धागा है, जो इस तरीके का धागा दिया जाता है, वो धागे में बाबा का नाम लेके दुआ करते हैं और जो भी परेशानी है इसमें बोलते हैं, दम करके दे देते हैं। यहाँ के जो खादिम है वो खादिम इसमें दुआ करते हैं और बाबा से ये बोलते हैं कि इनकी जो भी परेशानी है, जो भी जादू टोना है वो निकल जाए। और ये घोड़े 125 घोड़े हैं जो एक इसमें है जो कि ये उतारे जाते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपको हजरत सैयद मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले मुबारक का ज़ियारत कराया और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि बाबा जान के आस्थाने पे नगाड़ा कब बजता है और लोबान कब होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लोबान सुबह फजर के समय 5:15 बजे के आसपास लोबान होता है
और फजर के नमाज से पहले लगभग 5:30 बजे के आसपास नगाड़ा बजता है और शाम के वक्त 6 बजे शाम को लोबान होती है और नमाज मगरिब के बाद नगाड़ा बजता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नगाड़ा कितने बजे बजता है और लोबान कितने बजे होता है। तो ये आपको मैंने कंफर्म किया और आपको मैं बता दूं कि बाबा जान के आस्थाने पे भूत प्रेत जिन जिन्नात ऐसे जैसे बड़ी बुरी आत्माएं हर एक परेशानी से यहाँ से आप निकल सकते हैं। यहाँ पे उतारा होता है तो आप सामने देख भी सकते हैं। दोस्तों, हज़रत सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ली मुबारक पे आने के लिए अगर अभी आप आ रहे हैं तो आप ट्रेन से अगर आते हैं तो आपको डॉकयार्ड उतरना है क्योंकि रे रोड का अभी ब्रिज का काम चालू है तो थोड़ा आपको तकलीफ़ हो सकता है। पर अगर आप रे रोड भी उतरना चाहते हैं तो वहां से उतर कर और वहां से भी आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा और आपको डॉकयार्ड से भी आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगा। तो आप मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के चिल्लू मुबारक पे आसानी से आ सकते हैं। मेरा नाम शाहआलम है, मैं यहाँ का खादिम हूँ और ये जो रसीद है यहाँ पे, ये रसीद लेते हैं अपना घोड़ा नाड़ा करने के लिए। जो भी आपकी मुराद, जो भी आपकी मकसद है उसके ऊपर बोला जाता है, फिर वहाँ धागा देते हैं अंदर, फिर उस पर आप जो भी बोलो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। और बाकी और ये जो घोड़े चढ़ाते हैं बाबा को, तो मन्नत मांगते हैं, जैसे कि हमको कोई मन्नत हमारे को मांगना है तो मन्नत आपकी पूरी हो गई तो चढ़ाते हैं ना, बोलते हैं हमको घोड़े चढ़ाना है या झूला चढ़ाना है, तो किस करते मन्नत पूरी होने के बाद। और यहाँ की बहुत बड़ी करामत है कि उनकी मन्नत इंशाल्लाह पूरी हो जाती है। ऐसे मतलब क्या क्या यहाँ तकलीफें दूर होती है? यहाँ हर मुसीबत का हल है, जैसे कोई बला है, कोई तकलीफ़ है, किसी का कर्ज है और कोई बीमारी में मुल्तफा है, वो सबका शिफा होता है। ये बकरा जो कोई मन्नत मांगता है ना, ये बकरे भी देते हैं मन्नत के लिए, जो मन्नत मांगे उनकी मन्नत पूरी हो गई तो बकरे भी चढ़ाते हैं यहाँ पे। ये बाबा का अलावा है यहाँ पे, जिन भूत परे जिसको भी जो भी परेशानी तकलीफ है यहाँ पे उसका भी हल होता है। कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी यहाँ पे भी दूर होती है, यहाँ पे भी शिफा होता है। बस यही है, और जो भी बदन में अगर कुछ है तो यहाँ से निकलता है। दोस्तों, बाबा जान के चिल्ले मुबारक पे हर एक परेशानी से आप बच सकते हैं। यहाँ के नगाड़ा और लोबान में बहुत बड़ी तासीर है, बाबा जान की बहुत बड़ी करामतें हैं कि कई सालों से लोग परेशान हैं और यहाँ पे आने के बाद उनकी सारी परेशानी दूर हुई है। तो आप भी यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएं। तो माशाल्लाह दोस्तों, हज़रत सैयद मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के करीब दरिया है तो यहाँ पे भी लोग बाबा जान के ज़ियारत करने के बाद, लोबान लेने के बाद यहाँ पे आके लोग गुसल करते हैं जिससे उतारा किया जाता है। इंशाअल्लाह हज़रत सैयद मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले मुबारक का नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगा जिसमें इससे भी बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।